तेल उडारिया का आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि तेजो को फतेह बहुत अच्छे तरीके से खुश रख रहा है। फतेह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि तेजो उस हादसे को लेकर परेशान रहे, इसलिए बार बार फतेह जो है वो तेजो को सॉरी कह रहा है। ऐसे में तेजो कहती है कि मैं माफ़ तो ज़रूर कर दूंगी, लेकिन अभी जैसा ख्याल रख रहे हो वैसे ही आने वाले समय में भी रखोगे। यहाँ पर फतेह कहता है, अच्छा जी अभी तो बीमार हो, लेकिन जब ठीक हो जाओगी तब इतना ख्याल नहीं रखूंगा। दोनों के बीच में काफ़ी मस्ती होती है और फिर जब दोनों बिस्तर पर लेटते हैं तो यहाँ पर एक बार फिर से अचानक फतेह के सामने जैस्मीन का चेहरा आ जाता है और वो आई लव यू बोल देता है। यहाँ पर तेजो भी आई लव यू टू बोल देती है, लेकिन फिर जब फतेह देखता है कि ये तो तेजो है तो फिर उसे गिल्ट होने लगता है और छत पर जाकर फतेह बहुत रोने लगता है। वो भगवान से, वो रब से अरदास करता है कि मैं क्या करूं, कैसे क्या कुछ करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तेजो को धोखा नहीं देना चाहता हूं, मैं पिछले रिलेशन को भूलकर तेजो के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, आप मेरी मदद करें। फिर फतेह कहता है कि लेकिन अब मैं जो करूँगा वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अब जो है फतेह जैस्मिन को छोड़ने का फैसला तो ले लिया है। दूसरे दिन सुबह फतेह कहीं जा रहा होता है, तभी बीच रास्ते में जैस्मिन उसका रास्ता रोक लेती है और उसके कार में बैठ जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा फैसला नहीं हो सकता है, तुम अकेले ये फैसला नहीं ले सकते कि मुझे रिश्ता तोड़ना है। हम दोनों ने मिलकर ये रिश्ता जोड़ा था तो हम दोनों मिलकर ये रिश्ता तोड़ेंगे। तुम किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपने प्यार को बलिदान पर चढ़ा रहे हो। फतेह कहता है कि जैस्मिन मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, तेजो को मैं धोखा नहीं देना चाहता हूँ और मैं तेजो को धोखा नहीं देना चाहता हूँ। और फिर जो है फतेह एक बार फिर से कहता है जैस्मिन को कि यहाँ से चली जाए, लेकिन यहाँ पर जैस्मिन जो है वो काफ़ी गुस्से में है। यहाँ जैस्मिन कहती है कि ठीक है तुमने अपनी मर्जी की कर ली, अब मैं अपनी मर्जी की करूँगी, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि तेजो को खुद पता चल जाए कि मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है। और इसके बाद दौड़ी भागती पहुँच जाती है जैस्मिन तेजो के पास। तेजो उसे देख कर शॉक्ड है और कहती है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे। तो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने आई हूँ तेजो, तुम्हें बहुत ध्यान से और सब्र से सुनना होगा। यहाँ पर तेजो कहती क्या बात है। तब तक पीछे से फतेह भी दौड़ता हुआ आ जाता है और फिर फतेह रोक लेता है जैस्मिन को और कहता है कि तेजो तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम जाके आराम करो। यहाँ पर जैस्मिन कहती कि नहीं तेजो पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पर फतेह इशारा कर रहा है जैस्मिन को, जी हाँ वो कह रहा है कि तुम कुछ भी नहीं बताओगी। जैसे ही जैस्मिन बिना सुने कुछ बोलने वाली होती है तभी पीछे से जो फतेह की दादी है वो तेजो को बुला लेती है, तेजो अंदर चली जाती है। और यहाँ फतेह जैस्मिन का हाथ खींचता हुआ घर से बाहर लेकर जाता और कहता है तुम क्या करने वाली थी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम कितनी जिंदगियाँ बर्बाद करोगी। यहाँ जैस्मिन कहती है कि तुम ही ना कहते थे कि मैं तेजो को बता दूंगा, तो मैं अब बता रही हूँ तो क्या दिक्कत है। फतेह कहता है कि नहीं तेजो को कुछ भी तुम नहीं बताओगी। लेकिन यहाँ जैस्मिन कहती है कि ठीक है तुम नहीं चाहते ना तो ठीक है, तुम्हें तेजो की मौत की फिक्र हो रही है, तेजो के साथ जो हादसा हुआ तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, तो ठीक है मैं भी तुम्हारे प्यार में अपने आप को कुछ कर लूँगी, देख लेना मैं अपनी जान ले लूँगी। यहाँ पर यह सुनकर फतेह को बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ जैस्मिन धमकी देती है। अब फतेह गुस्से में उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि क्या तुम सिर्फ तुम ही प्यार करती हो और प्यार में पागलपन सिर्फ तुम्हारा ही है, तुम गिप्पी की ज़िंदगी बर्बाद की, तुमने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया, गिप्पी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई, कभी तुम अपनी हाथ काट लेती हो और तुम अभी धमकी दे रही हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्यार में सिर्फ तुम ही जान नहीं दे सकती हो, प्यार में मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब उसे पकड़ कर जैस्मिन को फतेह अपने साथ लेकर गया है और तेजो पीछे से देख ली है कि ये दोनों एक साथ गए हैं। तेजो सोच रही है कि आखिर ये लोग गए तो कहाँ गए। देखना दिलचस्प होता है कि आखिर क्या करने वाला है फतेह जैस्मिन के साथ।